इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार निवासी बमहौरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अंतिम दो दिन की यादगार झलकियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर स्थित देवरी नहरमऊ नन्ही देवरी में 1-7 दिसंबर की मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक्श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए गुरुवर से नश्वर संसार से मुक्ति पाने की विद्या को भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दो दिन यानी 6 एवं 7 दिसंबर के भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर सागर स्थित नहरमऊ नन्ही देवरी में 1-7 दिसंबर के मध्य परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक्श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के 6वें दिन यानी 6 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम 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 दम दम दीम दीम तवे तवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र 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 जल 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 कृष्ण चतारी लोगुत्मा रंता लोगुत्मा शिद्धा लोगुत्मा शाहू लोगुत्मा केवली पंडित अनादि मूल मंत्री भू नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेषिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भविष्यद्याय बुद्धाय परमात्माने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर शुकास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणंद प्रणामंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक सरोयिका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अववादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम छिन्छिन्न विनमने रतिकामम छिन्छिन्न विनमने बलिकामम छिन्छिन्न विनमने क्रोधम पापम विनमने सर्वोपसर्गम छिन्छिन्न विनमने सर्वविघ्नम छिन्छिन्न विनमने सर्वराजभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वचौरदृष्टभयम विनमने सर्वपरमंत्रम छिन्छिन्न विनमने। सुनील दूसरों को दे धनु को बुला लो। सर्वपरमंत्रम छिन्छिन्न विनमने सर्वसर्वभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वेच्छिकभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वसिंहादिभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वव्याधिभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वगृहभयम छिन्छिन्न विनमने सर्वदोषं व्याधिं डाम्बरं च छिन्छिन्न विनमने सर्वपरमंत्रम छिन्छिन्न विनमने सर्वस्थूलरोगं अक्षिरोगं कुक्षिरोगं सर्वरोगं जररोगं च छिन्छिन्न विनमने सर्वनरमारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वगजासु गोमय सजमारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वशस्यधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वराष्ट्रमारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वदेशमारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वस्मारीं छिन्छिन्न विनमने सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी छिन्छिन्न विनमने सर्वेदनीयम छिन्छिन्न विनमने सर्वमोहिनीयम छिन्छिन्न विनमने सर्वकर्माष्टकम छिन्छिन्न विनमने। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजो सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वगय आनंद पचपच कुटकुट शिक्षण भरजतम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीते श्री शांति रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु।
शांतिधारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने जगत के पालनहार को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। जिन धर्म जिन आगम जिन नमः अत्र अवतरतः संभवतिआवायनम जय हो जय नमः अत्र तिष्ठत स्थापना जय हो जय हो जय जिन आगम जिन नमः आत्मम सन्नितो भव वसत सन्निधि गणं पुष्पांजलि क्षिपामि जय हो जय हो जय हो जिन आगम जिन नमः जन्म जरा तुनाशनाय जलंधर पाम ते स्वाहा। ओम ब्रीम शर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत नमः कामार प्रदर्शनाय पुष्पांजलि पाम ते स्वाहा। पायस कर्पूर ज्योति जग लगे दीपले करे सुधि नवनिधि मंगल पाए शुभकांतावरे। ओम ब्रीम शर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत नमः महामोक्ष प्राप्ताये फलम द्रपान्ते स्वाहा। छोटू पंडित जी साहब चेत नमः अनंत प्राप्ताये अर्घ्यम द्रपान्ते स्वाहा। जय जय शांति धारा बहु हर्षाय चेत नमः ओम चेत नमः स्वाहा। जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे जय घातिया तो घातको बारे करो दिशा दीदी असंग साधु अटाल करेंगे चित स्वरूप नित्य लाभ करेंगे नव देवताओं की आराधना करें देवृत्तो राज की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदि कुमार का पड़गहन एवं आहार चर्या करा अपना जीवन धन्य किया। अब समय था ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर का भव्य समवशरण लगा है और उसमें गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने आरती उतारी। भगवान विराजे चतुर्मुखी भगवान विराजे। प्रभु के समवशरण में तीनों लोक से देव मानव दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। इधर सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियां शास्त्र का विमोचन कर गुरुवरों को शास्त्र भेंट करती हैं। हाँ, 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 एकत्र
वहीं गढ़धर के रूप में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक्ष श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देते हुए उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। आज के पहले पहले मुनिराज वृषभ सागर आहार विहार करते हुए ध्यान साधना कर रहे थे और इस तरह निर्ग्रंथ मुनि की चर्या करते हुए उन्हें साधना के काल के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। 1000 वर्ष की साधना छोटी मोटी नहीं मानी जाती है। जब घातीय कर्मों का नाश हुआ, प्रभु को दिव्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे सर्वज्ञ बने, अरहंत बने, भगवंत बने। हम सबके लिए दिव्य उपदेश मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन इस दिव्य उपदेश के पाने में भरत महाराज समूचे आर्यावर्त का प्रथम सम्राट चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, यह पुराण ग्रंथों में भी लिखा है, स्पष्ट उल्लेख है जैनेतर ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में भी कि नाभिराय के पुत्र आदिनाथ और आदिनाथ के प्रथम पुत्र जो भरत हुए हैं उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। राम के भैया भरत भी थे, महाराजा दुष्यंत पुत्र भरत भी थे, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है, पुरातत्व और अवशेष इस बात के गवाही हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल बड़े भारत के पुरातत्व वेत्ता रहे हैं, इतिहासकार, और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है, निर्विवाद रूप से सिद्ध किया है। उन्होंने लिखा, प्राप्त साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर मैं निर्विवाद रूप से यह बात सिद्ध करता हूँ कि इस देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है वह आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। आदिनाथ कोई जैनी के नहीं थे, भरत भी कोई जैनी के नहीं थे। जो सम्राट होता है, राजा होता है, वो सभी का होता है, सभी समुदाय का होता है, वो संरक्षक होता है। यही हमारे गुरुवर संदेशा देते हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत जब समाचार मिला कि आदि नाथ वृषभ सागर महाराज को केवल ज्ञान हो गया, समोसरण की रचना हो गई, इंद्रादि गणों ने आकर के पूजा की है, हमको भी चलना चाहिए, और सम्राट भरत समस्त अयोध्या वासियों को शुभ सूचना दे करके सबके साथ दल बल के साथ प्रसन्नता और प्रभावना का वातावरण बनाते हुए आदि प्रभु के समोसरण में पूजा करने के लिए गए। वही दृश्य यहाँ पर आप सबको दिखाया गया। सांध्या बेला में हाथी, घोड़ों एवं रथों में सवार होकर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते मंदिर जी आए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। चम 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 चम
हाथों में दीपक लेके आरती करो जे बाजे चम 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 आरती के दौरान संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच बच्चे वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए करके आरती कीजिए दीप कपूर की बातो सपने में आए मुरत गुरु सपने में आए मन बझू में मन आए गुरु पारस प्रभु जी कजरा रे तेरे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 ओ विद्या सागर जी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर। इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटक की शानदार प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खिदा के लिए जीते हैं और अहिंसा के लिए प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। पर तुम समझते क्यों नहीं हो नगर देवता का प्रकोप शांत करना पड़ेगा राजन। अरे कोई बात नहीं राज पुरोहित जी, आपस की बात है, मैं कुछ मंत्रणा कर लेता हूँ महाराज से। आना के तीर्थन कर फिर से जन्म नहीं लेते परम पिता परमेश्वर के वो श्रेणी में रहते। कौन सा मंत्र पढ़ू मैं प्रभु जी तुम धरती पर आओ। कौन सा मंत्र पढ़ू मैं प्रभु जी तुम धरती पर आओ। हिंसा पीड़ित हुई ये धरती आकर इसे बचाओ कि एक बार आओ प्रभु जी इन्हें समझाओ प्रभु जी। ऐसे सिंहासन पर बैठकर मुझे अगर हिंसा करनी पड़ी तो मैं ऐसे सिंहासन को ठुकराता हूँ क्योंकि नहीं चाहूं मणिमुक्ता नहीं चाहूं राज सम्मान मैं तो चाहो एक जीवन चरित्र महान जीवन चरित्र महान। मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ अहिंसा के लिए जीऊंगा और अहिंसा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा। जो पैर सत्य की ओर नहीं बढ़ते हैं असत्य की ओर जाते हैं वो ऐसे ही जमीन से चिपक जाते हैं। क्षेत्री कृतम पापम वज्र लेपे भविष्य हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव राजन हमें क्षमा कर दो राजन हमें क्षमा कर दो राजन हमें क्षमा कर दो। अब तुम गरीब नहीं आज से इस राज्य के राजा कहलाओगे। ओम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 1 से 7 दिसंबर तक चले इस कार्यक्रम में समापन दिवस पर सर्वप्रथम तीर्थंकर का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम
सर्व चौर दुष्ट भयम, सर्व मृग भयम, सर्वात्मक भयम, सर्व परमंत्रम, सर्व सूलरोगम कुक्षी राक्षसरोगम सरोरोगम ज्वरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजासु गोमहिष मारिम सर्व सश मारिम सर्व ब्रह्म सर्व भव्यन सस्त मारिम सर्व दोष मारिम मारुण चाटन महान विद्वेषण वशीकरणादि दोषान चक्र विक्रम सत्यज्वल सौरी वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम जय कुरु गुरु सर्वराजन सर्वग्राम नगर खेटकर वमटम संगनंदन यशकम त्रिशूलोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम छे आरोग्यम स्वस्ति जस्तु विदिते। शांति धारा के बाद मोक्ष कल्याणक प्रसंग की शुरुआत हुई। तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है, तभी अचानक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। अरहम अनाथ विद्याय नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजम नमो लोये सब समित संज्ञान जारी सभ्य संदेश नमः स्वाहा। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र श्री गोल्डी सिंघई उनके नख और केशों को लेकर आते हैं और स्वर्ग से आए अग्नि कुमार तीर्थंकर के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। तीर्थे स्वरास्यांत महोत्सवेयम् भक्त्यानताग्निन किरीटि जातम् अनर्चुरीन्द्र सकलास्तमेनम् यजे जलाद्यारे गार्यपत्यम् ओमी गार्यपत प्रणीति अप्रणीताग्नि अग्नि संस्काराय तीर्थंकर परम देवाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा छोड़ेंगे दूसरी कटनी पर। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम अर्हंतीदम शांतिधारम गृहीतम गृहीतम अर्हम नमो भद्रम भवतु जगताम शांतिधारम निपात्यामि शांति कृतभ्यः स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने प्रभु के मोक्ष गमन के सार को समझाते हुए जैन दर्शन की विशेषताओं का वर्णन किया। जो जहाँ गए हैं कहते हैं कि उनकी ये भवभव की साधना थी, आज वो पूर्ण हुई है, वो फलीभूत हुई है। इसलिए ऋषभदेव से कृष्ण के अभाव में पूछा कि आर्यकंडों में धर्म के अस्तित्वों को किस निमित्त से रहता है, तो उत्तर में कहा गया कि तीर्थंकर हो न हो लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से आदिनाथ की तदाकार स्थापना करके उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को प्रतीक के रूप में स्थापित करो, यही हम लोगों के लिए करना चाहिए। भरत चक्री ने गणधर परमेष्ठी से पूछते हुए क्या आदिनाथ तीर्थंकर के पहले भी और बाद भी कोई तीर्थंकर हुए हैं या होंगे, तो उन्होंने बताया कि आदिनाथ भगवान के बाद अजितनाथ आदि भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर और होंगे। इसके पहले भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसके आगे भी 24 तीर्थंकर होंगे। बस तुम एक काम करो, इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसा निर्माण हुआ है, वहाँ पर जाके त्रिकाल 24 की रचना करो। चक्री ने गणधर परमेष्ठी की बात को स्वीकार करते हुए स्वर्णमयी त्रिकाल 24 की रचना करवाई और पंचम काल में स्थेप ना निक्षेप नहीं होता, तो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को हम समझ नहीं पाते। आप लोगों ने तो हम लोगों को पाषाण दिया था, लेकिन आज के दिन आप लोगों के लिए भगवान लौटाया जाएगा, ये भगवान का स्वरूप आपके लिए है। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। गंधर कुंडे अग्नि अग्नो का संस्कार है गंधर देव अर्घन पामती अब तक सामान्य केवल नहीं अर्घन पामती बहुत बोलना चाहिए। ओम रीम सिद्धेभ्या ओम रीम सूर्यभ्या ओम रीम पाठकेभ्या ओम रीम साधुभ्या ओम रीम जिनबिंबेभ्या ओम रीम जिनचेतलेभ्या ओम रीम सम्यदर्शनाय ओम रीम सम्यज्ञानाय एक अरह जाताय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः सौपिधानाय नमः अचलाय नमः अक्षाय नमः अभिवादाय नमः अचिदाय नमः अवेदाय नमः एक अजराय नमः अर सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः
सम्यक् दृष्टे सम्यक् दृष्टे आसन भव निर्वाण पूजम अग्निदाय अग्निदाय स्वाहा। जब आपसे हाथ समाधि मंडम अब तू चलिए पुत्र सन्न पद्यामी एक अनादि गण सन्न पद्यामी मंडम अब तू। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गजरथ यात्रा निकाली गई। गुरुवरों की उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच उत्साह से लवरेज श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। गजरथ यात्रा के दौरान कई स्थानों पर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर की आरती कर अपनी मनोकामना पूर्ण की, तो वहीं जयकारे लगाते एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन हो रहे थे। गजरथ यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के बाद गगनभेदी जयकारों के बीच गुरुवरों के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान किया। प्रतिमा विराजमान करने के बाद कटनी निवासी पुण्य प्रतापी श्रीमान अजित कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, श्रीमान गोल्डी जैन, श्रीमती मेधा जैन, श्रीमान आशीष जैन, श्रीमती रुचि जैन जी ने जयकारों के बीच मंदिर जी के शिखर पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधि पूर्वक कलशारोहण किया। वहीं श्रीमान निर्मल चंद जी जैन, श्रीमती राजुल देवी जैन, श्रीमान पीयूष जैन, श्रीमती नम्रता जैन सर्राफ परिवार सतना जी ने शिखर जी पर ध्वजारोहण कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। इस बीच विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं पुण्य प्रतापी परिवारों को गुरुवर ने मंगल कलश प्रदान किए। आपका स्वागतम चिंटू की बड़ी फोटो दो भाई जो स्मृति मेरे गुरुदेव तुम्हें कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य गढ़नी आरिका 105 दृढ़मती माताजी की परम शिष्या आरिका श्री 105 विलक्षण मती माताजी की संघस्थ नगर गौरव आरिका श्री 105 स्वभाव मती माताजी एवं आरिका श्री 105 संयम मती माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु आपका स्वरूप निज का दिखता है,
डूब गया विद्या सिंधु में, भव समुद्र तट पाऊंगा, है विश्वास गुरु संग में भी सिद्धालय तक जाऊंगा, है विश्वास गुरु संग में भी सिद्धालय तक जाऊंगा। मुनि श्री संत सागर जी के चरणों में दो पंक्तियां कि वाणी में माधुर्य है, मुख पर है मुस्कान, और बीत रागता ही रही मुनिवर संत सागर जी की पहचान। आर्य द्रणमती माता जी के चरणों में दो पंक्तियां कि देखे जो भी जब भी तुमको, सबको अपनी सी लगती, भोली भाली सहज सरल सी तेरी प्यारी छवि लगती, पंचम काल में चतुर्थ काल की चरिया को है अपनाया, और ब्राह्मी और सुंदरी बनकर धर्म ध्वजा को फहराया। मुनि श्री समता सागर जी महाराज का हमारे ऊपर पूरा पूरा उपकार ऐसा है कि कभी भी हम इस मार्ग में आने के लिए हमारे लिए जो प्रेरणा मिली है वो मुनि श्री से ही मिली है। और धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुंदर है, धर्म की बात में ही शांति का सुख का समंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा मिला उनको किनारा है, जगत में प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है। इस भव्य आयोजन की समापन वेला पर परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने कार्यक्रम के आयोजन को गुरुवरों का आशीर्वाद बताते हुए कुछ यूं कहा। कहने को तो ये बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़े तपस्वी, बहुत ही बड़े साधक निरापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज का जन्म स्थल है। यहाँ से दो दो आरिकाओं का भी जन्म स्थल है। समाधिस्थ सुहाव सागर जी महाराज जी का भी जन्म स्थल है। पूज्य गुरुदेव का जब इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद आया तो हम सभी महाराज जी लोग यहाँ पर नन्नी देवरी पंचाणक के लिए आए, लेकिन सभी के मन में एक भाव था कि छोटा सा ग्राम है तो एक छोटा सा पंचकर्णक यहाँ कर लेंगे। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आया कि ये अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्णक होना चाहिए, और आचार्य श्री का ये पंचकर्णक या आशीर्वाद ऐसा सफल हुआ कि वाकई में जो दुनिया की यहाँ से सोच खत्म होती है, पूज्य गुरुदेव की सोच वहाँ से प्रारंभ होती है। मैं तो यही मानता हूँ कि पंचम काल में भले अवधि ज्ञानी न हो, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव का अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से भी कम नहीं है। उनने अपने ज्ञान से पहले ही जान लिया था कि इस नन्नी देवरी का पंचकर्णक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्णक होगा। वो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्णक हुआ। यहाँ पर आसपास की समाजों ने बहुत ही सहयोग के साथ में, बहुत ही यहाँ के कार्यकर्ता आसपास गौरजावर बेगमगंज टड़ा केसली सिलवानी, यहाँ के सारे नवयुवक मंडल, यहाँ की सारी समाज ने जो सहयोग दिया, इस सहयोग से पंचकर्णक बहुत ही सानंद संपन्न आज यहाँ हुआ। और सभी लोगों के लिए भावना है कि जब भी ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान हो, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में अपना समय तन मन धन देके ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को सानंद संपन्न बनाना चाहिए। अपने जीवन में धर्म है तो सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो दुनिया में सब कमा लेते हैं, पैसा तो पापी के यहाँ भी होता है, लेकिन जो धर्म और धर्मायतन रहते हैं वो बहुत ही जन्म जन्म के पुण्यात्मा होते हैं। उनको ऐसा पुण्य का अवसर प्राप्त होता है, कभी भी ऐसे पुण्य के अवसर को किसी को छोड़ना नहीं है, और जब भी जहाँ भी जैसा भी समय मिले ये कार्य अपन को करना है। इस भव्य आयोजन को लेकर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। विद्यासागर जी महामुनि राज की कृपा से नरयापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हुआ इस आयोजन में। बाहर से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे भारत देश से, विभिन्न राज्यों से बहुत से लोग पधारे। मैं उन सभी भव्य आत्माओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नन्नी देवरी पंचकल्याणक में जो अपूर्व सफलता प्राप्त हुई आचार्य श्री के आशीर्वाद से, किसी ने ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि देश विदेश के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। इतना अभूतपूर्व पंचकल्याणक इतनी विशुद्धि के साथ आदरणीय श्री विनय भैया जी, धीरज भैया जी के सानिध्य में जो हुआ है वह एक अद्भुत अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इसके लिए हम हमारे सिलवानी के, हम
महामंत्री अखंड दिग्विजय समाज सिलवानी के महामंत्री, हमें जो कार्य करने का जो अवसर महाराज श्री के सानिध्य में प्राप्त हुआ उसके लिए हम कमेटी के एवं नन्नी देवरी के बहुत बहुत आभारी हैं। पूज्य संतसार महाराज जी एवं स्वभावसार महाराज जी एवं दो माता जी की जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के समान है। आज यहाँ जो पंचकल्याणक सम्पन्न हुआ है, ये एक छोटे से गाँव का नहीं भाई, एक महातीर्थ का पंचकल्याणक था। जगह जगह से विभिन्न धर्मी बंदियों ने यहाँ आके हिस्सा लिया, अभूतपूर्व सहयोग हुआ और अभूतपूर्व भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई। ऐसा लगा कि यह पंचकल्याणक किसी गांव में ना होकर बड़े किसी महाशहर में हो रहा है और बहुत ही सब कुछ आनंद पूर्वक सानंद सम्पन्न हुआ। सारे महाराज जियों ने पूरे फेरों में हिस्सा लिया, सारे जगह के लोगों ने, सारी बैंड पार्टियों ने, सारे समाज के लोगों ने आके इस महोत्सव में हिस्सा लिया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने आयोजनकर्ताओं, कार्यक्रम सहयोगियों एवं धर्मावलंबियों के कार्यों की सराहना करते हुए भक्तों को आशीर्वाद कुछ इस तरह दिया। जिला सागर की धर्म नगरी नन्नी देवरी ग्राम में बहुत बड़े रूप में पंच कल्याण गजरथ महोत्सव सानंद संपन्न हो गया। परम प्रसन्नता की बात यह रही कि जैन समुदाय से भी ज्यादा अजैन समुदाय की उपस्थिति रही। सभी ने अत्यधिक श्रद्धा से धर्म के तत्व को सुना, समझा, स्वीकारा और व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए शराब, नॉनवेज और अन्यान्य बुराइयों का संकल्प पूर्वक त्याग किया। हमारे गजरथ महोत्सव की जनहित के रूप में ये सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बना उसकी कल्पना भावना वर्तमान में स्वर्गीय अवस्था में है, लेकिन जिन्होंने सपना संजोया था शांतिनाथ भगवान को स्थापित करने का, ऐसी वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रानी बाई धर्मपत्नी वृत्ति श्रावक श्रीमान राजाराम जी जैन नन्नी देवरी निवासी ही, यह मोदी परिवार कुल तिलक के एक तरह से धर्म भक्त परिवारी जन है। स्वर्गीय वारेलाल जी का ये परिवार है, मोदी परिवार है। इनके कुटुंब में दरबारी लाल जी, गोकुलचंद जी, प्रेमचंद जी का परिवार, इन सभी परिवारी जनों की भावना से ये स्वरूप आगे बढ़ा और शांतिनाथ मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा गुरुवर आचार्य श्री के कर कमलों से 1993 में हुई। आचार्य श्री प्रथम 1993 में दर्शन वंदना करके यहाँ सभी समाज को आशीर्वाद देके गए। आज उन्हीं की वृत्ति श्राविका की कल्पना ने श्री 1008 दिगंबर जैन सर्वतोभद्र जिनालय शांतिनाथ भगवान के रूप में यह स्थापित हुआ है और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से छोटी जगह में बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ संपन्न हो गया। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में आयोजित श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अंतिम दो दिन यानी 6 एवं 7 दिसंबर की मंगलकारी झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सागर के नहरमऊ नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तो दर्शकों, उससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सर्विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, जयश्नेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार निवासी बमहौरी
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।